हम बोल रहे हैं विविध भारती से। प्रस्तुत है नाट्य तरंग। नाट्य तरंग कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। सुनिए इस नाटक का पहला भाग। इस तरह टकटकी लगाकर आकाश की ओर क्या देख रही हो? आप मेरी ओर क्यों देख रहे हैं? ऐसे ही। मैं भी बस ऐसे ही बाहर देख रही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा मतलब है आप कौन हैं? आप कौन हैं? मैं जेल का अध्ययन करने आया हूँ। और मैं जेल में सड़ने आई हूँ। ये तो देखते ही मालूम हो गया था। लेकिन आपको देखकर तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। आप कौन हैं? मैं एक नाटककार हूं। मैंने मलयालम भाषा में कई नाटक लिखे। इस बार मैंने जेल की पृष्ठभूमि पर नाटक लिखने का निश्चय किया है। इसी सिलसिले में आपके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। आप दूसरे कैदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं? कोशिश कर रहा हूं। हाँ, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम डेजी है। डेजी? क्या हुआ? मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या? कुछ महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था डेजी नाम की युवती को सेशंस जज ने सजा दी थी। तुम आप वही डेजी है ना? हाँ। आपने हाई कोर्ट में अपील नहीं की? अपील तभी की जाती है जब सजा पाने वाले को कोई शिकायत हो। आपकी बातें बड़ी विचित्र लग रही हैं। मेरी कहानी भी बड़ी विचित्र है। क्या आप इस सब के लिए अपने को दोषी मानती हैं? दोष परिस्थितियों का है या मेरे भाग्य का जिसने मुझे उन परिस्थितियों में डाल दिया, कह नहीं सकती। आपकी कहानी जानने के लिए बहुत उत्सुक हो उठा हूं। क्या आप? हाँ, मैं सुनाऊंगी आपको अपनी कहानी। एक साधारण देहात के गरीब घर में मेरा जन्म हुआ। मैं छोटी ही थी कि मेरे पिता चल बसे। खेतों में मजूरी करके और इधर उधर के छोटे मोटे काम करके मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा बड़ किया। हायर सेकेंडरी की परीक्षा मैंने फर्स्ट डिवीजन में पास की। मैं चाहती थी कि पढ़ाई जारी रखूं और कोई डिग्री या डिप्लोमा ले लूं। संयोग से तभी एक वैभव संपन्न युवक बेनी से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बेनी देखने में सुंदर नहीं थे, रंग भी उनका काला था, किंतु मन से वो बहुत सुंदर थे। हम दोनों का विवाह हो गया। बेनी ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया कि विधाता को जैसे मेरे सौभाग्य से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन सहसा उनकी छाती में एक विचित्र ही प्रकार का दर्द उठा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें इस तरह के 2-3 अटैक और हुए तो उन्हें मर्सी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया।
डॉक्टर रामदास, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग बेनी, गुड मॉर्निंग। कभी तबीयत कैसी है? बीच बीच में कभी कभी सीने में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन थकान बहुत है डॉक्टर। चिंता की कोई बात नहीं, अब डॉक्टर लॉरेंस तुम्हें एग्जामिन करेंगे, वो आज छुट्टी से वापस आ रहे हैं। क्या ऑपरेशन होगा डॉक्टर? क्यों, ऑपरेशन से डर लगता है क्या? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। क्या करने से तुम्हें आराम होगा ये निर्णय वही लेंगे। उन्होंने विदेश में शिक्षा पाई है और सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया है। अरे ये क्या, गिटार? गुड, कितना मधुर स्वर है इसका। बेनी, इसे बजाना आता है क्या? डॉक्टर, किसी गुरु से तो शिक्षा नहीं ली है, फिर भी थोड़ा बहुत बजा लेता हूं। बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह से इसमें मेरी जान बसती है। अच्छा, अपनी पत्नी के बाद मैं इसी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। पत्नी जीवन में प्रेम भर देती है और गिटार मधुरता। तब तो दोनों ही दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हुए, क्यों? नमस्ते डॉक्टर। ओ नमस्ते, कहाँ गई थी तुम? सुना था कि डॉक्टर छुट्टी के बाद लौट आए हैं। अच्छा, तो तुम जल्दी से उनका पता लगाने गई थी। मेरी पत्नी जो ठहरी उत्कंठा हो सकती है। डेजी, ये टॉनिक किसके लिए लाई? हम दोनों के लिए। नहीं डॉक्टर, सिर्फ इनके लिए। इसकी बात पर ध्यान ना दीजिए डॉक्टर, खाएंगे तो हम दोनों एक साथ ही खाएंगे, वरना। अच्छा अच्छा, मैं जरा वार्ड हुआ हूं, फिर मिलेंगे। अच्छा, तुमने डॉक्टर रामदास को ये सब क्यों बताया कि हम एक साथ खाते हैं? हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। इसमें हर्ज क्या है, सच तो यही है ना? सच होने पर भी अपनी बातों को दूसरों के सामने इस तरह खुल्लम खुल्ला क्यों कहते हो? मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी। इसमें शर्म का है कि क्या मुझे ये कहना चाहिए था कि हम दोनों में झगड़ा रहता है? देखो डेजी, सत्य किसी के सामने किसी भी समय कहा जा सकता है। अच्छा जी, तब तो एक काम करें। इस कमरे के बाहर एक बोर्ड लटका दें, इस कमरे में रहने वाले पति पत्नी एक दूसरे के गहरे प्रेम में डूबे हुए हैं। डेजी, कल डॉक्टर रामदास ने हमसे एक सवाल पूछा था, तुम्हें ख्याल है? क्या? हमारे बच्चे हैं या नहीं? हाँ, ख्याल है। मुझे याद है, ये सवाल सुनते ही तुम उदास हो गई थी। नहीं तो? नहीं? हाँ शायद। बेनी, बेनी तुम अच्छे हो जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। बेनी, तुम्हें लगता है मैं ठीक हो जाऊँ? हाँ बेनी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरे अच्छे बेनी। ए, देसी, इधर आओ ना। बेनी, ये अस्पताल है। तो क्या हुआ, आओ ना। बेनी, क्या हुआ? कुछ दर्द सा हो रहा है। अरे, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ, ले जाओ बेनी, ले जाओ ना तुम। अरे, तुम्हारे तो चेहरे पर पसीना आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, फिक्र मत करो, जरा सी गिदी ना से चिंता की कोई बात नहीं। नहीं नहीं, नहीं मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। तेजी, बेनी, एक बात बताओ। पूछो। तुम्हें सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है, गिटार या मैं? बताऊं? दोनों। मेरा मतलब है कि तुम्हें तुम्हें सबसे अधिक सुख किसमें मिलता है? तुम्हें निहारते हुए गिटार बजाने में। कलाकार भी हैं? कलाकार तो नहीं, लेकिन कला प्रेमी रोगी हूँ। आप डॉक्टर लॉरेंस हैं ना? जी हाँ, मैं डॉक्टर लॉरेंस हूँ। तुम बेनी हो ना? हाँ डॉक्टर,
तुम लॉरेंस हो ना? हाँ, मैं लॉरेंस हूँ भाई। माय गुडनेस, तुमसे अचानक मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता। और मुझे तुम्हें पहचान नहीं सका और लॉरेंस। मैं ही तुम्हें कहाँ पहचान पाया बिनी। कुछ भी हो, तुम यहाँ अस्पताल में मेरे डॉक्टर के रूप में, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने सुना कि अमेरिका से एक फेमस डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर लॉरेंस, तो सोचा कि जरूर कोई कॉम्पिटेंट डॉक्टर होंगे। तो क्या मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे वही पुराने दोस्त लॉरेंस हो। सुनो, हमें एक दूसरे से मिले कितने साल हुए होंगे? यही कोई 14 या 15 साल। और तुम मुझे देखते ही पहचान गए, खास तौर पर इस हालत में। Exactly. गजब की यादाश्त है तुम्हारी। अरे हाँ, मैंने परिचय तो करवाया ही नहीं। लॉरेंस, मेरी पत्नी डेज़ी। नमस्ते। नमस्ते, तो मैं देखते ही समझ गया था आप आ गए हैं, तो लगता है जैसे। सब वो बातें रहने दीजिए। अब बेनी, पहले बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है? चेस्ट में पेन है। हाँ। दिल की तरफ भी पेन है। वैसे सांस लेने में अक्सर बड़ा कष्ट होता है। ये ठीक से नहीं बताते। बस यही कह देते इन्हें कोई तकलीफ नहीं, इनकी आदत। हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। स्कूल में हम 3 साल एक साथ पढ़े हैं। डेजी जी, मैं इन्हें ठीक करने में कोई कसर नहीं रखूंगा, जो भी जरूरी होगा जरूर करूंगा। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आप इनकी बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं? डेजी, मेरे सारे रोगों की लिस्ट तुम ही इन्हें दे दो। लॉरेंस, मैंने अपने को डेजी के सुपुर्द कर दिया है। बेनी, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा कोई तो है जो तुम्हारी हर बात की तरफ ध्यान देता है। हाँ, हूँ सौभाग्यशाली, लेकिन इस 24 घंटे की देखभाल से मेरा दम घुट रहा है। खुद सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इस पर देखभाल से भी दम घुटने लगे तो। हाँ। खैर, जो भी हो भाई, बेनी तुम्हारा कंप्लीट चेकअप करना होगा। अभी तो मैं वार्ड में जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा। सही हो गया ना? बाय। भगवान की बड़ी कृपा है जो डॉक्टर लॉरेंस को यहाँ भेज दिया। ये फ्लास्क क्यों ले रखा है? अरे बाबा, मैं तो पानी गर्म करने को रखाई थी, शायद गर्म हो गया होगा। मैं अभी जाकर ले आती। सो रहे हैं क्या? अरे गिरिजा, तुम आप यहाँ? हाँ, मैं एक बीमार की हैसियत से आया हूँ। सीने में और दिल में दर्द है। दिल में दर्द? जिसके दिल ही नहीं उसके दिल में दर्द? जरा शिष्टता से बात करो। जो शिष्टता का मतलब ही नहीं समझता वो कह रहा है शिष्टता से बात करो। जरा आहिस्ता बोलो। मुझे पहचान लिया आपने? हाँ, पहचाना ही नहीं, इस दौरान बीच बीच में तुम्हें याद भी किया है। अब भी मन में विष भरा है, दूषित विचारों का विष। तुम ऐसा सोचती हो? सोचती नहीं, बल्कि अनुभव से कहती हूँ। मुझे देख पाएंगे इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्यों? हाँ, ये कल्पना नहीं की थी कि तुम्हें नर्स की ड्रेस में देखूंगा। हाँ, आपने तो मुझे किसी हीन वेश में देखने की कल्पना की होगी। इस कदर गिर तो नहीं गई हूँ? ये तो बहुत ही अच्छी बात है गिरिजा। मैं किसी का आशीर्वाद नहीं चाहती। क्या? आपके पास खड़ा रहना तक मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ गिरिजा। ये तो आज की बात है, उन दिनों तो आप एक टेरर थे। टेरर? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर बात क्या है? आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आती? तमीज से बात करो। मैंने ऐसा किया क्या है जो तुम ये सब कह रही हो? अच्छा, 4 साल पहले उस दिन जो कुछ हुआ था आपको याद नहीं? मेरे पिताजी बीमार पड़े थे, उनके प्राण बचाने का कोई उपाय नहीं था। मैं नौकरी की तलाश में आपकी संस्था में गई तो आपके दुष्ट मैनेजर ने मुझे अपनी वासना का शिकार बनाने की कोशिश की। मैंने बाघिन की तरह उसका सामना किया, मेरे कपड़े फट गए, लेकिन वो भाग गया। उसके बाद कमरे में घुस आए आप, लेकिन मैं आपके चंगुल से भी भाग निकली। देखो, मेरी पत्नी सुन रही होगी, प्लीज प्लीज आज चुप हो जाओ। हो तो मुझे आपकी पत्नी से डरना होगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ करो, इस समय कुछ ना कहो। उस दिन मैंने गिरजा और बेनी की बात सुन ली थी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। उस रात बेनी कुछ अस्वस्थ रही। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस ने बेनी का कंप्लीट चेकअप किया। 2 तरह के एक्सरे लिए, ईसीजी लिए, ब्लड और यूरिन टेस्ट हुए। रिजल्ट आने के बाद ही वो कुछ बता सकेंगे,
ऐसा उन्होंने कहा। उन दिनों जब भी मुझे फुर्सत मिलती मैं पास के चर्च में जाकर बेनी की जल्दी ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन मैं चर्च से लौटी तो सुना बेनी और गिरजा बातें कर रहे थे। मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मुझे तो कहना है। कल जहां बात रुक गई थी मैं वहीं से शुरू करता हूं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम्हें सुनना पड़ेगा। सुनो, तुम जब आई थी मैं ऑफिस में नहीं था। तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई वो मुझे मालूम है। तुम्हें समझा बुझा कर शांत करने और तुमसे माफी मांगने के लिए ही मैं दौड़ा दौड़ा आया था, लेकिन तुम न जाने क्या समझी और मेरी बात सुने बिना चली गई। मैंने आवाज दी मगर तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुम कौन हो ये मैं तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़कर ही जान गया था। आप चाहते हैं मैं इन सब बातों पर विश्वास करूं? नहीं, मेरी ओर से कोई ऐसा आग्रह नहीं है। मैंने तुम्हें सच बता दिया है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। आप इतने ही सज्जन और भले मानस होते तो मुझे बुलाकर नौकरी ही नहीं दिला देते। हाँ, लेकिन उस बीच कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं हुई कि मुझे इसका अवसर ही नहीं मिला। उसी दिन मैनेजर को नौकरी से हटा दिया गया। बाद में मैंने वो ऑफिस ही बंद कर दिया। आज न वो संस्था है न वो ऑफिस। अच्छा। हाँ अच्छा, ये बताओ तुम्हारे पिता ऑपरेशन के बाद भी कई दिन अस्पताल में रहे थे या नहीं? हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? कितने रुपए खर्च हुए? करीब 6। लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? कितने रुपए खर्च हुए? करीब 600। लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति पर तरस खाकर अस्पताल वालों ने वो रकम माफ कर दी थी। माफ नहीं की थी गिरिजा, सारी रकम मैंने चुकाई थी। तुम्हें बिना सूचना दिए चेक भेज दिया था। चाहो तो अब भी पता लगा सकती हो। डिस्चार्ज होकर बाहर जाते वक्त तुम्हारे पिता के हाथ रुपए भी मैंने रखवा दिए थे। क्या? हाँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। तुम्हारी वेदना देखकर मेरा मन दुखी हो उठा। मुझे लगा कि तुम्हारी इन मुसीबतों के लिए मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं, इसलिए मैंने ये सब किया। फिर एक दिन सुना तुम और तुम्हारे पिता दोनों ही कहीं चले गए। उसके बाद कल तुम्हें देखा। मैं ये सब नहीं जान पाई, गलती हो गई, मुझे माफ करें। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं गिरजा। मैंने जो कुछ भी किया वो अपना कर्तव्य समझकर किया। चेहरा कुरूप होने पर भी मेरा मन कुरूप नहीं है। गिरजा चली गई, लेकिन उनकी बातें सुनकर मेरे मन में बेनी के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना आदर, कितना प्यार और उमड़ आया कह नहीं सकती। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस जांच की रिपोर्ट लेकर आए। क्या हुआ डॉक्टर? टेस्ट में क्या निकला? कोई खास बात? वो बेनी कहाँ है? चेरिन के पास गए हैं, अभी आते होंगे। डॉक्टर, सारी रिपोर्ट्स आ गई ना? हाँ डेजी, सारी रिपोर्ट्स आ गई। कोई खास बात बताइए ना डॉक्टर। डेजी, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है लेकिन मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। बेनी के हार्ट के एक वॉल्व में गड़बड़ है। वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर वॉल्व बंद हो गया तो उसकी सांस रुक जाएगी और ऐसी इमरजेंसी किसी वक्त उठ सकती है। जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा इसी हफ्ते में। हाँ डेजी प्लीज, बेनी से कुछ नहीं कहना, मेजर ऑपरेशन है लेकिन मैं अपनी पूरी जान लड़ा दूंगा। डॉक्टर, डॉक्टर किसी तरह मेरे बेनी को बचा लीजिए डॉक्टर, उनके बिना। अरे भाई, अभी तो ऑपरेशन हुआ भी नहीं और तुमने चिंता करनी शुरू कर दी। मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर। डेजी, इस तरह अधीर होने से कैसे काम चलेगा? तुम्हें तो बेनी को आत्मविश्वास और सहारा देना है। अब तुम इस तरह हिम्मत हारोगे तो कैसे होगा? तुम्हें तो मुझे सब बात सच सच बतानी ही थी। नहीं, मुझ में सुनने का साहस नहीं है डॉक्टर। डेजी धीरज रखो, डेजी धीरज रखो, बेनी इस समय आ गए तो ये सब देखकर दुखी हो जाएंगे। अल्लो बेनी आ रहे हैं।
आइए आइए, कहाँ पे जाना? ओ डॉक्टर भाई, जब भी डॉक्टर पेशेंट को देखने आता है पेशेंट बेड पर नहीं मिलता। हा? इस पैकेट में क्या? बता दूंगा, पहले ये बताओ मेरी रिपोर्ट्स देखकर तुमने क्या डायग्नोस किया है? भाई रिपोर्ट सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ हो सकता है एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़े। कोई गड़बड़ है डॉक्टर? अरे भाई गड़बड़ कैसी, डोंट वरी, मैं तो हूँ, आई विल डू माई बेस्ट। लॉरेंस ये बात इस डेजी से कह दो, इसी को ज्यादा डर लग रहा है। डेजी अब तुम्हारी परेशानी दूर हुई ना? और हाँ बेनी एक बात और, हा? इस तरह कमरा छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं है, आई डोंट लाइक इट। अच्छा तो मैं चलता हूँ अब, सी यू अगेन, बाय। तुम तो चेरियन से मिलने गए थे बेनी, ये पैकेट कहाँ से उठा लाए? अब अगर मैं और मौका ना पाऊं तो तुम तो बड़ी ना समझो, तुम अगर ऐसे ही रही ना तो फिर चल गया काम। प्रेजेंट देखकर रोने लगी? नहीं नहीं नहीं, रो मत। देखो अब अगर और ज्यादा रोगी तो मैं रूठ जाऊंगा। बोलो रूठ जाओ। नहीं नहीं ना, अच्छा तो फिर हंस दो। देखो ये ऐसे ऐसे, अरे क्या क्या हुआ आपको? ले जाइए ले जाइए। बेनी बेनी बेनी, डॉक्टर डॉक्टर! कुछ ही मिनटों के अंदर डॉक्टर लॉरेंस दौड़ कर आ गए। दूसरे ही दिन बेनी का मेजर ऑपरेशन हुआ। भगवान की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा। गिरजा की निष्ठापूर्ण सेवा ने मुझे अचरज में डाल दिया। जब ब्लड का स्टॉक खत्म हो गया तो उस नाजुक परिस्थिति में गिरजा ने अपना खून दिया। बेनी धीरे धीरे बोलने चालने लगा तो मेरा मन खुशी से खिल उठा। चौथे दिन मेरा बेनी स्वर्ग से धर गए। Oh, no. सदा के लिए मुझसे बिछड़ गया। आखिर ये हुआ कैसे? ऑपरेशन के बाद एक दिन बेनी के हृदय में दर्द उठा। सांस लेने में बड़ा कष्ट होने लगा। फौरन डॉक्टर के पास आदमी दौड़ाया लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर लॉरेंस घर पर नहीं मिले। डॉक्टर आशीष दौड़े आए लेकिन उस वक्त तक बेनी के प्राण फकीर उड़ चुके थे। टूटे हुए पेड़ की तरह मैं जमीन पर गिर पड़ी और फिर मुझे किसी बात की सुध नहीं रही। पांच बाद मुझे होश आया, मैं बीमार पड़ गई। जिस कमरे को मेरे पति खाली कर गए थे मैं उसी में भर्ती हो गई। 2 महीने बीत गए। एक दिन नर्स गिरजा मेरे पास आई। डेजी ये सब क्या है, छोटे बच्चों की तरह? ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता गिरजा। दुख तो मुझे भी है डेजी, मैं भी उनको नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझ पर बहुत उपकार किया था। मैं अब क्यों जीवित हूँ गिरजा? चिराग बुझ गया, रोशनी खत्म हो गई, मेरे सामने अब अंधेरा ही अंधेरा है। ना डेजी, इस अंधेरे से तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। उठो हाथ मुंह धो लो, हमेशा रोना धोना अच्छा नहीं। चलो देखो देखो, इससे बेनी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। डेजी अच्छा अब मैं चलती हूँ, ड्यूटी खत्म होने पर आऊंगी,
तब हम देर तक बैठकर बातें करेंगे। इस तरह कुछ महीने और बीत गए। डॉक्टर लॉरेंस मेरी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते थे। बेनी के प्रति वे बहुत स्नेह प्रदर्शित करते थे और एक दिन सब लोगों को आश्चर्य में डालकर मैं और लॉरेंस विवाह सूत्र में बंध गए। अच्छा, लेकिन इस सब के बावजूद भी बेनी मेरे अंदर जीवित रहे। उनका प्रिय गिटार मैंने संभाल कर रख लिया था। एक दिन की बात है, आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में।